उसके बाद यहाँ पे दूसरा अगर फोन नंबर है तो डाल सकते हैं और मेल है तो डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद नीचे लिखा आई हैव रेड ए ग्रेट ऑफ लॉविंग टीम एंड कंडीशन, तो इसको टच करके आपको क्या करना है, ऐड पे टच कर देना है और इस तरीके से आप किसी की भी आईडी बना सकते हो। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम, खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ और ऐसा पहली बार हुआ है जो अभी तक नहीं हुआ था, किसी का बिना डॉक्यूमेंट लिए आईडी कैसे लगा सकते हैं, बिना प्रूफ के आईडी हम किसी भी व्यक्ति की कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। ऐसा कब से हुआ, कंपनी के तरफ से तो कोई मैसेज नहीं आया, टीसी सर ने कभी इस तरह से बताया नहीं कि आप बिना डॉक्यूमेंट की आईडी लगा सकते हो, तो ये जो व्यक्ति मुझे बता रहा है वीडियो में क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए आप बने रहिए और मैं 100% बताता हूं आपको कि बिना डॉक्यूमेंट लिए आप किसी की भी आईडी लगा सकते हो बिना आधार कार्ड बैंक कॉपी लिए। कई बार जब लोगों का डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि अपना आधार कार्ड आप दीजिए आईडी लगाना है, बैंक का पासबुक आप दीजिए आपकी आईडी हम लगा देते हैं, तो लोग देने से डरते हैं, उनको डाउट होता है, शक होता है कि कहीं मेरा अकाउंट खाली ना हो जाए, तो उनको बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं होता है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आरसीएम लिख करके मैसेज आएगा, उसमें 6 डिजिट का एक नंबर होगा ओटीपी करके, वो आपको देना होगा तो आपकी आईडी बन जाएगी। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता है तो लोग कहते हैं ऐसा करो आप मेरी आईडी मेरे सामने बना दो, ऐसा भी होता है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला, आपको और अपनी टीम में भी। होता क्या है कि जब आप किसी के पास जाते हो, प्लान दिखाते हो, उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट का आप उसको बोलते हो देने के लिए तो लोग देते नहीं हैं, तो आज हम बता देते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट की आईडी आप लगाओ, सभी की लगा दो, सबका लगा सकते हो आईडी, और वो बहुत बढ़िया काम करता है आईडी। और आपको बताने वाला हूँ एक चीज़ और कि दोस्तों हम इस बिजनेस में जितना ज़्यादा आईडी लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्लान दिखाएंगे, उतने तेज़ी से हमारा बिजनेस बढ़ता है, लेकिन हम प्लान दिखाने के बाद भी आईडी नहीं लगा पाते, नहीं आईडी लगती है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप बिना डॉक्यूमेंट लिए किसी की आईडी लगा सको, थोड़े भी सामान दिला करके उनकी आईडी आप लगा सकते हो, थोड़े भी प्रोडक्ट अगर वो लेते हैं तो उनका आईडी चालू रहेगा, बंद कभी नहीं होगा। तो आइए जानते हैं ये कैसे हो सकता है, ये नया ट्रिक क्या आ गया है, कंपनी की तरफ से तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कंपनी की तरफ से तो कोई यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया, टीसी सर ने नहीं बताया, तो मैं आपको बता रहा हूं लोगों ने नहीं बताया लेकिन अपडेट हुआ है, ऐप में अपडेट हुआ है, उसके द्वारा आप ये फायदा उठा सकते हो। तो आइए आपके स्क्रीन पर हम चलाते हैं, मैं यहां पर स्क्रीन पर चला देता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं वो सारी चीजें डायरेक्टली देख सकते हैं। मैंने क्या किया, अपना जो आरसीएम का मेरा अपना ऐप है, मैंने आरसीएम ऐप को खोल लिया है और ये आरसीएम ऐप खुल चुका है, आपका भी इस तरह से खुलता होगा अगर आपकी आईडी लगी हुई है। तो किसी की भी बिना डॉक्यूमेंट लिए आईडी कैसे लगाते हैं, जैसे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप जाएंगे अकाउंट पर जाएंगे तो यहाँ पर नाम लिख देता है, योर इन्फॉर्मेशन और योर ग्रुप, मंथली स्टेटमेंट, ये सब सारा चीज़ यहाँ पर लिख देता है। आप इधर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्केटिंग प्लान, डिलीवरी सेंटर, मैसेज, एसोसिएट बायर, ये सारा डाउनलोड, केवाईसी, यहाँ से हम नई आईडी लगाते हैं, जो केवाईसी ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू, यहाँ से नई आईडी लगती है, ई केवाईसी एप्लीकेशन करेक्शन, यहाँ से हमारा जो आईडी हम लगाते हैं कुछ उसमें कमी रह जाती है तो अपडेट कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। फिल योर बैंक अकाउंट डिटेल, जैसे हम बैंक अकाउंट हमारा डिलीट हो गया तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। फिल योर पैन डिटेल, यहाँ से पैन डिटेल कर सकते हैं। मीडिया, यहाँ से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। मीटिंग शेड्यूल, यहाँ मीटिंग शेड्यूल पे आप जाएंगे तो आपके एरिया में कब कितने तारीख को कौन लीडर आ रहे हैं, कहाँ पे कौन सी मीटिंग होने वाली है, वो सारा चीज़ यहाँ से आपको पता लग जाता है। कॉन्टैक्ट यूज, अगर आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इसमें टच करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होता है कंपनी का, आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल यूज नाउ, यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में मैं आपको बताता हूँ जो हमने बात किया है, अकाउंट पे चले जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद में आपको नीचे इस तरह स्क्रॉल करना, ऊपर को करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली स्टेटमेंट, चेंज पासवर्ड, लेटर व्यू, पीयूसी रेटिंग, डीप कोर्स, इसके बाद आरसीएम डिस्प्ले वाला एप्लीकेशन हो गया, क्रिएट रजिस्टर्ड बायर, ये व्यू रजिस्टर्ड बायर। आप यहाँ पर समझने की जरूरत क्या है कि जब आप क्रिएट रजिस्टर्ड बायर पर जाओगे, इस पर आप जाओगे, टच करोगे तो देखो इस तरीके से ये आपका कॉलम खुल जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें क्या करना है, बायर नाम, उस व्यक्ति का नाम डालना है, उसके फादर का नाम डालना है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है वो डालना है, यहाँ जेंडर लिखना, मेल फीमेल, लेडीज है जेंट्स है वो देना है, कम्युनिकेशन उनका छोटा सा एड्रेस शॉर्टकट में ले लेना है कि उस एरिया का एड्रेस क्या है, वो किस स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट यहाँ पर आपको डाल देना फिल करके, यहाँ पे कोई भी स्टेट आप यहाँ पे, जैसे बिहार मैंने डाल दिया, एड्रेस में कुछ भी लिख सकते हैं, मेल लिख सकते हैं यहाँ पे, मेल जैसे अगर मेल है व्यक्ति तो मेल कर सकते हैं आप, यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, कुछ भी जैसे लिखना हुआ ठीक है लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। तो नाम के बाद यहाँ पर आप उनका सिटी कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट देना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम क्या है तो कोई भी नाम डाल सकते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं वहाँ का सिटी में, सिटी वहाँ का जो आप उनका जिला है वो सिटी डाल दीजिए। पिन कोड एरिया आप डाल सकते हैं, जैसे हम पंजाब में हैं तो 0141008, 141010, 141007 ऐसे होता है, तो सबका पिन कोड होता है, एरिया पिन कोड, मतलब स्टेट पिन कोड होता है, तो वो आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर उनका डाल दीजिए, कोई और मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। ईमेल अगर वो डलवाना चाहते हैं तो ईमेल भी उनका यहाँ पे डाल सकते हैं। मेंबर नाम, उनके संपर्क में, उनके जानकार लोगों में कौन है, किसी को जैसे नॉमिनी
नॉमिनी हम डालते हैं आईडी समय, आईडी भरते समय नॉमिनी डालते हैं, तो उनका यहाँ पर किसी मेंबर का नाम, जेंडर उनका मेल है फीमेल लेडीज है जेंट्स, वो भी यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद रिलेशन में क्या लगते हैं उनके, वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर उनका भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा अगर फोन नंबर है तो डाल सकते हैं, और मेल है तो डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद नीचे लिखा आई हैव रेड ए ग्रेट टू फ्लोविंग टीम एंड कंडीशन, तो इसको टच करके आपको क्या करना है, ऐड पे टच कर देना है। और इस तरीके से आप किसी की भी आईडी बना सकते हो और बिना डॉक्यूमेंट लिए आईडी बना सकते हो। ये नया फीचर आया है, ये नए तरीके का अपडेट हुआ है। ये जो बिजनेस है, ये जो आरसीएम मार्केटिंग प्लान है, ये सब अपडेट होने से ये सब हुआ है। कई लोग डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते, तो आप बिना डॉक्यूमेंट लिए उनकी आईडी लगा सकते हैं, बिना आधार कार्ड, बिना बैंक। तो सवाल एक और आता होगा कि सर पैसा कैसे उनके अकाउंट में जाएगा, अगर वो अपना आधार कार्ड बैंक कॉपी नहीं देते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा कैसे जाएगा, ये आप सोच रहे होंगे। तो मैं बता दूं, जो सामान वो व्यक्ति खरीदेंगे, तो अब एक सवाल और आ रहा होगा आपको कि उनका आईडी बनेगा कैसे। बिल्कुल आईडी बन जाएगा उनको, आईडी नंबर उनको मिल जाएगा, उनका जो फोन नंबर वो आईडी नंबर बन जाएगा। अब जो सामान वो व्यक्ति खरीदेंगे वो सामान उनके आईडी पे चढ़ेगा कटेगा, तो वो कैसे फायदा उठा पाएंगे, पैसा कैसे उनको आएगा? तो मैं आपको बता दूं, उनको उसका कोई पैसा नहीं आएगा, बस उनको सामान शुद्ध मिलेगा, डिस्काउंट रेट पर मिलेगा, गारंटी आपको उनको मिलेगा, बिल उनके नाम से मिल जाएगा, ये सारे फायदे उनको मिलेंगे, पर पैसा जो भी है उनको नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो खरीदारी करेंगे तो वहां पर उनको जो खरीदारी करेंगे उनका जो बिजनेस वैल्यूम होता है वो डायरेक्टली आपके आईडी पर कटेगा, उनके आईडी पर नहीं कटेगा। बस बिल उनके नाम से होगा, सामान उनको मिल जाएगा, डिस्काउंट उनको मिल जाएगा, बस वो जो परचेजिंग वैल्यूम होता है वो परचेजिंग वैल्यूम आपके आईडी पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐड के बाद आपको अपना आईडी डालना होता है, क्योंकि आपने अपनी आईडी के साथ में उनको अटैचमेंट कर दिया है। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका बिजनेस वैल्यूम बढ़ेगा। तो आप आसानी से डायमंड क्लब कर सकते हैं, स्टार डायमंड क्लब कर सकते हैं, क्राउन डायमंड क्लब कर सकते हैं, आराम से आप ये सब चीज़ को कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने टीम में जो नए व्यक्ति हैं उनको नहीं देना है, जो पुराने व्यक्ति हैं, जो एक्टिव है, जो बिजनेस को कर रहे हैं, करना जानते हैं, चल रहे हैं, वो पीछे मुड़ने वाले व्यक्ति नहीं है, उनको जरूर ये आप इन्फॉर्मेशन बताएं। जो प्लानिंग करते हैं, जो प्लान लगातार दिखा रहे हैं, उनको जरूर ये बात बताना। जो अभी तक प्लान नहीं कर पाते, अभी प्लान करने को तैयार नहीं है, आईडी नहीं लगा पाते हैं, उनको ये नहीं बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे जैसे वो हमारे टीम में एक्टिव होते जा रहे हैं, लोग प्लानर तैयार होते जा रहे हैं, फील्ड में उतरना शुरू कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि बिना डॉक्यूमेंट की भी आप आईडी बैठे बैठे तुरंत वहीं लगा करके और अपने डिस्प्ले वाल से आप उनको सामान दे सकते हो, काट सकते हो, जिससे आपका बिजनेस वैल्यू बढ़ेगा, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, उनको सामान शुद्ध मिलेगा, पक्का बिल उनको मिलेगा, गारंटी उनको मिल जाएगा, ये सारा फायदा उनको मिलता है और आपको बिजनेस वैल्यू उनका मिल जाएगा। और अगर वो चाहते हैं कि कहीं भी मैं अपनी आईडी लगा लूं, किसी और टीम में लगा लूं, तो ये वाला मोबाइल नंबर से उनकी आईडी कभी लग नहीं सकती, इस वाले नाम से कहीं भी आईडी वो नहीं लगा सकते हैं। मजबूरी में उनको अपनी आईडी आपके पास, यानी उनकी आईडी जो है वो आपके पास ही लगेगी, वो आपसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे, आप ही उनकी आईडी लगा सकते हो, और किसी भी टीम में किसी भी जगह उनकी आईडी नहीं लग सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन यानी घंटे को दबा के ऑल पे कर दीजिए। इससे ये होता है कि जब कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा, कोई भी अपडेट आएगी, तो आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगा, जानकारी सबसे पहले आपको पहुंचेगी, और आपके पास पहुंचेगी तो टीम में भी पहुंच जाएगी। और वीडियो को रोकिए मत, शेयर कीजिए, उनको जरूर दीजिए, जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको जरूर भेजिए वीडियो। इससे आपकी टीम में ग्रोथ आएगा, बिजनेस वैल्यू बढ़ेगा, और आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। जय आरसीएम, जय हिंद। सपोर्ट करने के लिए वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए शेयर कीजिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।